तो नंबर वन क्या है कि 6 दिन हम फेस टू फेस माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद 30 दिन के ऑनलाइन सपोर्ट हम देंगे आपको। अच्छा, ये 6 दिन में 4 सेशन होंगे, एक एक सेशन 90 मिनट का होगा, एंड एवरी 90 मिनट सेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, लेक्चर, डिस्कशन, डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड हैंड्स ऑन। आप सब लोग लैपटॉप लेके आ गए, कुछ लोग सुनते भी है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्या है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास लैपटॉप है उनके साथ बैठने की कोशिश कर लीजिए। और डॉक्टर साहब ने हमारे बीबीसी साहब ने और हमारे प्रिंसिपल साहब ने बहुत कुछ बातों को बहुत ऐसी बातों को स्पष्ट रूप से कहा था, इट्स परफॉर्म और पेरिश, ऐसा नहीं कि चलता है, इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो गुणवत्ता कैसे लाएंगे, नवाचार कैसे लाएंगे डिजिटल लर्निंग में, और व्हाट ऑल थिंग्स विच आर अवेलेबल। हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बातों को भारत सरकार कह रहा है, उन सारी चीजों को हमारे विद्यार्थियों तक ले जाने में किस तरीके का भूमिका निभाएंगे। एंड प्लीज डोंट अंडरस्टैंड मिस्टेक इन मी दैट इट्स ओनली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, कुछ टूल्स पढ़ाएंगे, कुछ ऐसे हैं, कुछ टूल्स के साथ साथ बहुत सारे बातों को मैं रखता हूँ। मैं राष्ट्रीय स्तर का तो रिसोर्स पर्सन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, मित्रों में हिंदी भाषी तो नहीं, पहली बात ये बताने की कोशिश मैं करता हूँ, बट मैं पिछले 50 सालों से पत्राचार वार्तालाप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से करता हूँ, वो मेरा मतलब मातृभाषा तो नहीं, पर मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, मेरा व्याख्यान भी ज़्यादातर, और इसमें मेरे ऊपर एक खप्पा भी लगी हुई है, ये ज़्यादा हिंदी बोलता है शायद इनको अंग्रेजी नहीं आता हो, ये बात मैं उत्तर भारत के कई लोगों ने कहा था, मैं गर्व के साथ महसूस करता हूँ उन लोग मुझे ऐसा कुछ कह रहे थे, क्योंकि भाषा मेरे लिए जरिया, दैट्स ऑल, आई कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, रीड, राइट एंड स्पीक, सो दैट द मैसेज कैन गो लाउड एंड क्लियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जो जिस विषय को लेके मैं पिछले 15 सालों से शोध कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वही चीज मैं आपको प्रीच करता हूँ, उसी चीजों को लेके हमने ये 6 दिन का वर्कशॉप बनाया। ओके, उससे पहले कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता हूँ। अब सारे टीचर नियुक्ति हो गई और इनिशियल डेज में तो आप लोगों के लिए तो गुरुदक्षिणा प्रोग्राम है, इस तरीके से बढ़िया संस्था है, और इसी संस्था में मैं 5 साल पहले आया, तब से लेके अभी जमीन आसमान का फर्क है। थैंक्स टू इट ऑल ड्रिवन बाय द इंडिविजुअल्स, एंड इंडिविजुअल्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। और मैं अभी सर को जो बता रहा था, ऑनलाइन में बहुत सारे वर्कशॉप तो चल रहे, 3 साल पहले एक मोहतरमा मेरे वर्कशॉप में अटेंड कर रहे थे, वो फ्रॉम तमिलनाडु से, वो बार बार दो दो कंप्यूटर से अटेंड कर रहे थे, पता यार तुम्हारी ये कहाँ से लड़की दो दो से कर रही, क्योंकि मोबाइल फोन से करना, लैपटॉप से अपलोड करना, लैपटॉप से मोबाइल फोन से। तब शाम को मैंने उनसे पूछा था, ये आप दो दो कंप्यूटर से क्या कर रहे हो, एक कंप्यूटर तो काफ़ी है। कह रहे सर हमारे पड़पड़ दादा मतलब देखिए उस लड़की में इसमें कितना अंतर है, सर वो भी अटेंड कर रहे हैं। अरे आपके दादा का इसके साथ क्या लेना देना है? कह रहे पता नहीं सर, दादाजी सुन रहे थे आपके भाषण, अब ऑनलाइन में क्या हो रहा है, अभी तो यहाँ सिर्फ 4 दीवारों के बीच में ही थे हम लोग, ऑनलाइन में काम भी करते हैं, चाय का भी समय हो जाता है, और कैमरा बंद करके सुनते रहो, बट बाकी सारे जो प्रतिभागी जो नए नए नियुक्ति हुई उस विश्वविद्यालय में वो कैमरा बंद करके बैठे हैं, बट ये जो पड़पड़ दादा उस टाइम उनका उम्र था सर 80 साल, आज की तारीख में उनको 89 साल है, अभी कल या परसों उनके बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट कर दिया है, और वो अटेंड कर रहे थे, ठीक है अटेंड कर ले दो, जैसे मैंने आपको कहा था मैं कुछ एक्टिविटी दूंगा। शाम को सर
मेरे पास भेजते थे, मैं हैरान होता था तब क्या। अल्टीमेटली व्हाट आई नोटिस, द एज इज नॉट फैक्टर, नौकरी इज नॉट द फैक्टर। सो सिंपली ही इज 89 इयर्स ओल्ड एंड उसके अंदर इतना जज्बा है, पैशन है, पेशेंस है, परसिवरेंस है टू टेक द थिंग्स फॉरवर्ड। वो तमिलनाडु के, वो एक और खास बात है मैं बताने की कोशिश करता हूं, ही कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ही स्पीक्स ओनली तमिल, बट बहुत मुश्किल से जो चीज मैंने हिंदी इंग्लिश में जो बताया था एंड ही कुड एबल टू अंडरस्टैंड एंड ही नाउ 9 साल की बात की कहानी बता रहा हूं, 25,000 लोगों को फ्री में पढ़ा रहा, तब 89 साल का है और पूरे घुटने घिस गए, व्हीलचेयर पे चलता रहता है। सो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे हम लोग उससे कम से कम यहां जितने भी बैठे हैं उसके तो एक चौथाई उम्र भी नहीं होंगे कई लोगों को यहां जो बैठे हैं ज्यादातर केसेस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एज ए टीचर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग we talk about the subject competency, pedagogical exposure, नहीं first of all commitment towards the teaching। और आजकल तो एक और नया चीज सुनने में मिल रहा है, सर मेरे नियुक्ति face to face teaching के लिए हुई। भाई तेरे नियुक्ति के टाइम में किसी ने सोचा क्या कोरोना आ जाएगा? अब तो कोरोना आगे नहीं पता नहीं और कोई आ गया तो खुदा ना खास्ता नहीं होना चाहिए इस देश में, तो क्या करेंगे। और दूसरी बात है, मतलब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात, बच्चे जो क्लास में जो आते हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, जब हम नैक पे जाते हैं, मैं नैक एसेसर, मेरे चेहरे पर याद रखना, अभी मेरा 15 साल की सर्विस है, 100% आऊंगा आपके कॉलेज में नेक्स्ट और यही सवाल पूछूंगा, मैडम आप कोने में बैठे हो, आप ऐसा करके बैठे हो, आप हंस रहे थे, हंसमुख चेहरे से बैठे हो, आपने मैडम कुछ काम नहीं किया था, सर ने पीछे बैठ के काम कर रहे थे, वो मैथिली वाले सर सर थे, वो भी सीखा बहुत कुछ, वो कर भी रहे थे। भाई मेरा कहने का मतलब, स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट द थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, व्हाई शुड आई कम टू द क्लास, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्यों आओ, आने से क्या फायदा है। अब लोगों को लगता है कि भाई इतने मार्क्स से पास होने से अटेंडेंस तो कंपलसरी चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, उसके बाद बाहर आके तड़प रहे हैं, अगर बच्चे सीखे तो मेरा कहने के मतलब ये है कि हाउ टू टीच इनोवेटिव, व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ, इनोवेटिव टीचिंग और क्रिएटिव टीचिंग, और खासकर इस जगह के इनोवेटिवनेस है, क्योंकि दिल्ली में मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं JNU से लेके जामिया से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ज्यादातर इसी एरिया में, दे वर सो इनोवेटिव, सो क्रिएटिव, सो नॉलेजेबल। मैं हमेशा उनको कहता हूं भाई आप भी कंट्रीब्यूट करो इस तरीके से एंड आपके अंदर भी कुछ लोग ऐसे ही होंगे। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग, सो टू अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कमिटमेंट इज। जब मैंने ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड टीचिंग लर्निंग का दौर शुरू किया था, मुझे किसी ने कहा नहीं, मुझे दो चीज इंपॉर्टेंट था। ये मेरा प्लेटफॉर्म है, कई लोगों को मैंने भेजा भी था व्हाट्सएप ग्रुप में, ये प्लेटफॉर्म जो है ये आज से थोड़ी बनाई, कोरोना काल में थोड़ी बनाए, 15 साल पहले बना था। उसका एक ही खासियत था, ये जो प्लेटफॉर्म आपको जो दिख रहा है, मैं भी आप जैसा कन्वेंशनल क्लासरूम टीचर ही था, मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर। So what is the difference I noticed? मेरे क्लासरूम में स्लो लर्नर्स हैं, मतलब धीरे धीरे सीखने वाले। मेरे क्लासरूम में एवरेज लर्नर्स हैं, मेरे क्लासरूम में गिफ्टेड लर्नर्स।
कुछ ऐसा है, आप सबसे आग्रह करते हैं थोड़ा मोबाइल को साइलेंट में रखें, प्लीज कीप योर फोन इन द साइलेंट मोड, ओके। सो अनलेस एंड अनटिल देयर इज इमरजेंसी बात करने की कोशिश करेंगे, कोई बात ऐसे मैं नहीं कह रहा। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरे पास जो एक घंटे की क्लास है, एक घंटे की क्लास के अंदर अंदर बहुत सारे बातें हो भी नहीं पाती है। पहले 10 मिनट जो है अटेंडेंस लगाने में और 10 मिनट क्लास को काबू में लाने में अंतर की बच्चे, और आप समझ लो कि यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में भी ऐसे बच्चे, अब बच्चे बच्चे ही होते हैं, लेकिन मैं बचपन में बहुत जरा होता हूँ। बट वॉट इज यानी बाकी जो 40 मिनट का समय हमारे पास बचा है, आप लोग सीख के हम लोग को सिखा दीजिएगा। सो जो 40 मिनट का जो समय हमारे पास बचा है, उस 40 मिनट के समय में whatever you want to speak, it may not be complete. So, a idea which was stuck my mind, idea ये था, वो idea मेरे साथ ये था, why don't we prepare an environment where I can engage my learner before the class as well as after the class. ये मैं मूक्स की बात नहीं कर रहा हूं, बस अब पूरे दुनिया मूक्स की बात कह रही है। जब हमने ये बात क्यों किया था उस टाइम तो मूक्स का ही नहीं, मेरा मेन उद्देश्य ये था, मेरे क्लासरूम में मुझे एक घंटे का समय है या डेढ़ घंटे का समय है, उसके अंदर बहुत सारे बातें हो भी नहीं पा, क्लास को काबू के लेके बाकी चीज तक ले जा रही है। तो मैं तब ये प्लेटफॉर्म शुरू किया। अच्छा, पहली बात है, आपको लगता होगा कि सर ऐसे प्लेटफॉर्म शुरू करने से बच्चे अपने आप सीखेंगे, नहीं, जैसा टीचर कंफर्ट लेवल पे है वैसा स्टूडेंट भी कंफर्ट लेवल पे है। वो भी कहते ठीक है, मेरा क्या फर्क पड़ रहा है, कहना बहुत आसान है टीचर के लिए, कहते हैं अरे यार पता नहीं क्या सिखाया वो सिखाया, बट धीरे 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 जो है स्टूडेंट्स को लाइन में लेके आया। कैसे लाया मैंने, उस दौरान तो ये वीडियो वगैरह और कुछ नहीं होते, अब धीरे धीरे मैंने बना के सिखाया और वो वीडियो इंटरैक्टिव किया था, जैसे क्लासरूम में मेरे सामने जब व्याख्यान देता हूं द वे आई इंटरैक्ट माय लर्नर्स, आई एनकरेज देम टू स्पीक, आई एम टेलिंग यू, एंड स्लोली स्टडी व्हेन आई टेक द कॉन्फिडेंस ऑफ माय लर्नर्स। मेरे क्लासरूम में अभी भी एक 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 प्रोसीजर है, हंसना मना है, यू नो हंसना मना है, एवरीबॉडी वाज, आई नेवर अलाउड द स्टूडेंट्स टू सिट लाइक दिस, दे सिट इन अ सेमी सर्कल, हंसना मना है, मतलब आपको आता है तो मतलब सर मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके नॉलेज को इसके साथ जोड़ना है, एंड एवरीबॉडी शुड लर्न। So what I'm trying to say that इस तरीके का चीज करते 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 now people started accepting that this is happening 15 years back. So what are the things which prompted me to do this? First of all, my purpose is different, my outcome is different. My purpose is not to learn something. हाँ ठीक है, ये तो सीख लेंगे इस काम के लिए, उसके बाद मैं काम करता हूँ। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आई बिलीव इन दिस, मुझे लगता था कि मैं ये करूंगा, देन थिंग्स कैन डेफिनेटली विल हैपन, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीज करने के लिए हमारे पास पांच टीचर के पास एट्रीब्यूट्स की जरूरत है। ये चीज ध्यान रखिएगा सर, अभी कई बार लोग मुझे कहते हैं अरे सर हमारे यहाँ ना बच्चे देहाती है, रूरल है, इनको कुछ भी समझाओ समझ में नहीं आता है। आई थिंक फ्रेंड्स आई एम सॉरी टू से डोंट यूज दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। माय क्वेश्चन इज कैन वी यूज दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स विद योर ओन चिल्ड्रन? थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आजकल तो अभी कोई भी चीज हम पूछते हैं बच्चे कहते हैं पापा क्या करके बताओ, अभी हाल ही में
परचूनी की दुकान पे गया था, उनका बेटा बैठा था एमटेक कंप्यूटर साइंस करके, मेरे को सामान लिया था, मैंने कहा था कि बेटा कितना हुआ, 879। मैंने कहा 879 नहीं अंकल, 879। मैं कह रहा यार तो 879 ही हुआ था। मैं दोबारा गिना, तिबारा गिना, चौबारा गिना, 879 हुआ। अरे भैया ये 879 था बेटा, नो अंकल 879 ही आपको देना। मैं कंफ्यूज हो गया था, तो मैं खराब हो गया, अरे तो मैं सुन रहा था, पता नहीं क्या मैंने गलत किया या वो गलत समझ रहे। तो उसके बाद उनके पिताजी आए, वो कह रहे भाई प्रोफेसर साहब क्या पढ़ा रहे हो मेरे बेटे को। मैंने कहा तेरे बेटे को मैं पढ़ाने लायक नहीं था, मैं गिन रहा था 879 था, ये कुछ अंग्रेजी में कुछ बोल रहे थे। अरे भैया दिल्ली आने के बाद तो अंग्रेजी भूल गए। मैंने कहा तेरे बोला नहीं, मैं गिनती उससे कर रहा था। तो अचानक मुझे लगा हाँ 879 एंड 879 तो एक ही था। तो उनकी तरफ देख के बोला बेटा तूने कभी नंबर देखा 879 और 889 में फर्क पड़ता है। अंकल ट्राई टू यूज इंग्लिश वर्ड्स अंकल, सॉरी आई कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। मैंने सोचा कि एक बार इस लड़के को थोड़ा को सुना दो। मैंने कहा था भाई तेरे को अब कहाँ तक पढ़ा, पढ़ाई कहाँ से किया, दिल्ली में और कौन से माध्यम में, हिंदी माध्यम। बेटा धारा 3/33 करके राजभाषा कमेटी के तहत एक बात, आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई 12वीं तक आपने हिंदी में किया, 800 मुझे हिंदी समझ में नहीं आती। बट रियली व्हाट इज दिस आंसर, व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट नो। मैंने कहा ऐसे मत करो, मैंने कहा अभी सीखो, आप बिलीव नहीं करोगे, पैसा नहीं दिया मैंने। उनके बाप को बोला था भाई इनको पहले हिंदी के अक्षर सिखा, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 69 तक। बाद में वो लड़का कह रहे अंकल ये बात तो आपका सही है, द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वी स्टॉप टॉकिंग ऑल दिस थिंग्स, वी द पेरेंट्स स्टॉप टॉकिंग, वी द पेरेंट्स आर नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग्स, when we stop doing our children will not follow. I'm not saying that you should not teach the language, everything is good, but there are many things which I could able to express much more than ye mujhe pata kaise chala, jab main hindi ko hindi ki taraf bolne laga, lecture dene laga, but my students and my across the participants, I started feeling the power of the language. When you don't speak, things will not. So the first and foremost thing is for a teacher, it's a good, you must be a good communicator. आप कलम कॉपी भी लेके आया लैपटॉप के साथ साथ, मैं कुछ चार पांच बातें कहता हूँ लिख लीजिए। The first and foremost attribute of the teacher is good communicator. Is the teacher must be a good communicator. And communication in two levels, verbal and non-verbal. First one is verbal and second one is non-verbal. Because जो बातें मैं आपको यहां कह रहा हूं ये सारे जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में है, बुक्स के कॉन्टेक्स्ट में। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट, यू आर अ फेल टीचर। प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज वी नीड टू कम्युनिकेट, उसमें भाषा भी एंड कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज इज गोइंग टू प्ले बिग रोल। सो फर्स्ट वन इज good communicator, second good subject expert, second important thing is good subject expert. उसके नीचे दो बिंदु लिख दीजिएगा, good subject expert के नीचे दो बिंदु लिखना है। पहला बिंदु theoretically strong,
थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिकली साउंड. व्हाट इज सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, दिस इज व्हाट आई सेड. Theoretically strong, practically sound. तो तुरंत आपके मन में आया होगा कि practical मतलब सर मैं computer science का teacher नहीं हूं, मैं geology का teacher नहीं हूं, sciences का teacher नहीं हूं, क्या practical part होता है? यहां मैं हमारे जो national educational policy का एक कुछ बातें बताना चाहता हूं. नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में दो अहम बातें. द फर्स्ट वन वो ये कह रहे थे एवरी टीचर मस्ट मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंपैक्टफुल, एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग फॉर द लर्नर. ये मैंने कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है. सो टू मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंपैक्टफुल, एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग फॉर द लर्नर. इसको कैसे करें? इसी कार्यशाला में हम कई सारे बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, उससे आप समझ जाओगे. और दूसरा अहम बात है, बहुत सारे बातें उन्होंने कहा था, कुछ बातें को और दिखा दूंगा मैं आगे. सेकंड पॉइंट इज व्हाट एवर सब्जेक्ट यू टीच वो विद्यार्थी के निजी जिंदगी में काम आना चाहिए. अपने निजी जिंदगी में काम जब इसको नहीं आता है, अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया 889, उनको समझ में नहीं आ रहा. मतलब मैं ये नहीं कहना वो 800 आप में से भी कई लोग कह सकते हैं सर जरूर जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है. बिकॉज जब तक हमें खुद को नहीं, बहुत सारे भावनाओं को मेरे मातृभाषा में मैं प्रकट कर सकता हूँ क्योंकि मैं तकरीबन कई सालों से उत्तर भारत में रह रहा हूँ और मेरा मदर और बीवी और बच्चों के अलावा कोई भाषा बोलने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं तो उसी भाषा में तो ममेक हो गया था. पर जब तक अपने भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाएंगे, अभी देखिए क्लासरूम में आमिर खान की एक मूवी देखा होगा आपने, कई साल पहले एक मूवी आई उसमें क्या कह रहा था, तो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझो. कई बार कहते हैं नहीं उच्च शिक्षा में तो पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, कभी भी ये मत शब्द मत कहना सर, बच्चे अपने आप पढ़ेंगे तो हमारे अस्तित्व के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा. सर बीच में एक ऐसे काफी बड़ा मीटिंग में मैं बैठा था, बड़े बड़े लोग बैठे थे इस देश को चलाने वाले, तो एक कुछ कह रहा था कि अरे सर हमारे राज्य में बहुत सारे ई रिसोर्सेस डेवलप कर दिया, टीचर की नियुक्ति पोस्ट कौन कर सकते हैं. मैं एकदम से हंसा था, जनरली मुझे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा जगहों पर हंस गए. तो उस सज्जन ने मुझे कहा था कि क्यों हंसे, मैंने सर टीचर की नियुक्ति और ई रिसोर्सेस का क्या ताल्लुक है. कह रहे कि नहीं, अरे नहीं सर आपको तो नहीं पता. मैंने सर नहीं पता तभी मैं इधर हूँ, पता होता तो कहीं और चले जाता. तो एक बड़ा आदमी, उन्होंने मुझे कहा था डॉक्टर साहब बताइए क्या आप क्यों हंस रहे हो. मैंने सर टीचर हमेशा रहना चाहिए क्लासरूम में, टीचर विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में होना चाहिए, टीचर की नियुक्ति और ई रिसोर्सेस इसका कोई ताल्लुक नहीं है. नंबर वन ये सब एक कॉम्प्लीमेंटिंग टू टीचर, टीचर कैनॉट बी रिप्लेस, टीचर कैनॉट बी रिप्लेस, टीचर कैनॉट बी रिप्लेस. और टीचर को सेंसिटाइज करो, टीचर को ओरिएंट करो, टीचर को ट्रेन करो, टीचर को सपोर्ट करो. जब तक ये नहीं करेंगे एकदम से लगता है अरे ये टीचर बेकार पढ़ा रहे, कोई बेकार नहीं है.
उसी दौरान मैंने ये भी कहा था सर, आदि शंकराचार्य है इस देश में एक महावाक्य बताया था, पता नहीं कितने कितने लोगों को पता है, नहीं पता। वो ये कहते थे सृष्टि में कोई दोष नहीं है, सृष्टि में कोई दोष नहीं है, अपने दृष्टि में दोष है। पहले दृष्टि बदलो, सृष्टि अच्छा ही दिखाई देगी। आप माहौल नहीं खड़ा कर देते हो, मौका नहीं देते हो, और एवरीबडी कैनॉट वर्क ऑन दैट। सो द पॉइंट इज दैट यू कैनॉट वर्क इन आइसोलेशन। तो लेट मी कम बैक व्हाट आई सेड। सो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वट एवर, इसमें यह कहा गया वट एवर यू आर टीचिंग एनश्योर दैट ये स्टूडेंट्स के निजी जिंदगी में काम आना चाहिए। उस तरीके का इनोवेट करो, क्रिएट करो। आजकल तो सर 100 के 100 आने वाले बहुत बच्चे। अभी मेरा बेटा जो है उनको 10-20 मार्क्स आ गए, पिछले 4-5 महीने 2-3 महीने पहले की बात है। उनको 3 पेपरों में 100 के 100 आ गए। उनके माँ से कह रहा था पापा को कितने मार्क्स आ गए हैं। मैंने बीवी को बोला यार मेरा बेइज्जती हो जाएगी, मत बताएगा। कह रहे पापा 10वीं पता नहीं कब पास किया है, बाबा आजम भी जमाना है। तो उस दिन क्या क्या उन्होंने, मैं हमारे पिताजी कहते थे भाई आपके पापा को ना 10वीं पास किया उस टाइम पर मैंने जुलूस बनाया। तो मतलब उस दौरान तो बहुत कम लोग होते थे, हमारे परिवार में भी 2-3 लोग थे ऐसे। तो मुझे 70% मार्क्स आ गए। तो कह रहे 70% मार्क्स के लिए दादाजी इतना जुलूस बनाया, इतना बड़ा दावत दिया। तो पापा हमें तो, मुझे तो 100 के 100 तीन पेपर में आ गया, आपने तो ऐसा कर दिया। मैंने कहा क्या बता। बट दैट्स सेकंड पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट बी गुड कम्युनिकेटर सर, सेकंड पॉइंट यू मस्ट बी गुड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टीचर मस्ट हैव PPP। आप कैसे को बता सकते हैं व्हाट इज PPP? आपने भी सुना होगा PPP। सर थोड़ा खुल के बोलिए, ऐसे कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसे टाइटली बैठने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो उसका बिलीव नहीं करता। व्हाट इज, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश आल्सो यू कैन स्पीक, व्हाट इज PPP? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वेरी गुड। बट इसके टीचर के साथ क्या ताल्लुक है, मैं इनसे पूछूंगा। चलेगा सब कुछ। और दूसरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो भी PPP है, वो भी टीचर के साथ क्या ताल्लुक है, नहीं पता। यस एग्जैक्टली। सो मेरा एक डेफिनेशन है, पहला पी वो थोड़ा कष्ट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल तो हमारा आदत हो गई मोबाइल फोन में फोटो लेने का। मोबाइल से फोटो लेने से फोटो कहाँ जाता है, गैलरी में जाता है। हम फोटो क्यों लेते हैं, हम कहते पढ़ेंगे बाद में, ये बात कभी आता है नहीं, इसलिए इसमें लिख दीजिए। हम मोबाइल हमारे बहन लिख रही है लैपटॉप में, वो भी अच्छी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम लैपटॉप से हमारे कंपनी तो जाएगा यार। कोई शब्द कोई बात। सो पहला पी पैशन टू टीच, पहला पी जो है पैशन।